जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की जो कोरोना रिपोर्ट है वो आ चुकी है और आज के जो आंकड़े हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो आज नए कोविड केस जो रिकॉर्ड किए गए हैं जम्मू कश्मीर यूटी में वो है 5818। जो आज के जम्मू कश्मीर यूटी में जो कोविड के नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं वो है 5818। वहीं हम देखते हैं कश्मीर डिवीजन में आज जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं नए कोविड केसेस के वो है 4066। और जम्मू डिवीजन में जो रिकॉर्ड आज के नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं वो है 1752। तो ये थे डिवीजन वाइज। और अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज में सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीनगर की। तो श्रीनगर में आज जो नए कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में वो है 1745। बारामूला में 791, बड़गाम में 594, पुलवामा में 230, कुपवाड़ा में 93, अनंतनाग में 207, बांडीपुरा में 130, गांदरबल में 84, कुलगाम में 162, शोपियान में 20। अब हम जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लेते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो आज केस रिकॉर्ड किए गए हैं वो है 1131। उधमपुर में 105, राजौरी में 85, डोडा में 63, कठुआ में 100, सांबा में 89, किश्तवाड़ में 5, पुंछ में 66, रामबान में 53 और रियासी में 55। ये थे डिस्ट्रिक्ट वाइज आज की जो कोरोना रिपोर्ट। डिवीजन वाइज भी मैंने आपको बता दी। और जो कुल आज नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं जम्मू कश्मीर यूटी में वो है 5818। और जो कोविड की वजह से जो आज जाने गई हैं मूल्यवान वो है 4 जम्मू डिवीजन में। 4 जम्मू में जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं वो सिर्फ जम्मू डिवीजन में है। उसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो कोविड केसेस हैं काफी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो सेकेंड वेव में सबसे हाईएस्ट पीक 6000 के आसपास थी और आज जबकि अभी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव की पीक 22 जनवरी को आएगी तो आंकड़े जो हैं लगभग 6000 के आसपास ही पहुंच गए हैं। जहां हमने सेकेंड वेव में पीक देखी थी 6000 के आसपास, वहीं अभी थर्ड वेव में पीक नहीं आई है लेकिन जो आंकड़े हैं वो 6000 के आसपास हैं। तो कहीं ये जो फ्लक्चुएशन है काफी जो है सोच अलार्मिंग सिचुएशन है, काफी चिंताजनक जो सिचुएशन बनी हुई है। मैं जैसे हमेशा से कहती आई हूँ कि जेके न्यूज टुडे की तरफ से हम हमेशा आपसे ये दरख्वास्त करते रहते हैं कि जब आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और जम्मू कश्मीर सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि जो हम लोग कोविड को लेकर लापरवाह हो चुके हैं उस कोविड एसओपीज को पूरी तरह से लोगों को ये रिक्वेस्ट करें, लोगों को ये कहें कि जो कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। देखा जा रहा है कि सरकार टाइम टू टाइम मीटिंग कर रही है कि कोविड की कंटेनमेंट को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें इम्पोज किया जाए। कल जैसे कि 16 जो एरियाज थे जम्मू के जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। इस तरह से और भी बड़ी सारी जो सरकार है जहां लगता है कि कोविड को लेकर कोई इन्फेक्शन पाई गई है वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं। एग्जाम्स को लेकर, स्टडीज को लेकर भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। इस तरह से हमें भी एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते पूरी कोशिश करनी है कि हम भी जो है एसओपीज को पालन करें, गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इस कोविड की जो जंग में हम आगे विजय हासिल करें। हमने सेकेंड फर्स्ट वेव से भी जंग जीती है, हमने सेकेंड वेव से भी जंग जीती है, अब हमें थर्ड वेव से भी जंग जीतनी है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे ताकि ये कोविड की महामारी जो है उससे हम खुद को बचा सकें। और लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज टुडे के साथ। कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिए। कैमरामैन भुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज टुडे जम्मू।